हमारे साथ केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत जी मौजूद हैं। मैम, एक बड़ी जीत आप लोगों की हुई है, 2017 में जो नहीं हो पाई थी वो इस बार पूरी कर ली, कितना खुशी है और किस तरीके से जनता का आभार करेंगे आप? मैं अपनी केदारनाथ विधानसभा की जनता, मातृशक्ति, बुजुर्ग और अपनी जो दूर दराज की जनता है उसका मैं बहुत उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय मोदी जी की जो विकास योजनाएं थी उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तराखंड में लहराया है और जो जनादेश मिला है उसके लिए मैं अपनी जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, विशेषकर अपनी महिला और मातृशक्ति का। मैम, एक बड़ी चीज़ ये भी है कि आपके जो कैबिनेट थी उसमें सभी मंत्री जीत गए, केवल एक यतीश्वर आनंद और खुद आपके मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, किस तरीके की क्या कमियाँ देखते हैं आप? उसमें चुनावी समीकरण में कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, इसमें कुछ विशेष समुदाय की बात भी हो जाती है, मुझे तो ये समीकरण नज़र आया और कभी कभी कुछ हो जाता है ऐसा, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जनता की ओर से कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बीजेपी के कई विधायक कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए वो अपनी सीट छोड़ देंगे और वो चाहते हैं कि वो ही सीएम हो, आपकी क्या राय? बिल्कुल पूरी सबका रुझान है और करीब 7 के 8 विधायक उनको उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं, बाकी भाई जो भी केंद्र का आदेश होगा हाईकमान का वो उस पर जो है हम। धन्यवाद मैम, ये थे हमारे साथ शैला रानी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी की परचम बहुमत हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार बीजेपी की सरकार बनी है तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बेस के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ बुलेटिन इंडिया, देहरादून।